नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आशीष शुक्ला और आप देख रहे हैं डीप नॉलेज। बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन है जो लोग भी स्पिरिचुअल पाथ पे हैं कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते समय जो फ्रस्ट्रेशन आता है उसको कैसे ओवरकम करें। कुछ लोगों को आता है, कुछ लोगों को नहीं आता। और जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में जो फ्रस्ट्रेशन आते हैं वो हमसे प्रैक्टिसेस छुड़वा देते हैं। मैं आपको बताता हूँ मैं क्वेश्चन का आंसर क्यों दे रहा हूँ। बिकॉज आज एक हमारे बहुत ही क्लोज फ्रेंड है जिन्होंने पूछा कि मैं करीब 4-5 महीने से आपके जनों का बेसिक कोर्स की वीडियोस देख रहा हूँ और मैं खाना कम नहीं कर पा रहा हूँ। जो जनों का कहती है कि दिन में धीमे धीमे एक टाइम पर खाना खाने आना है, या तो रात का टाइम जो सोने का टाइम है 12 से लेकर 5 के बीच का जो टाइम है मैं उस पर नहीं पहुँच पा रहा हूँ। तो मैं क्या करूँ, कैसे इसको ओवरकम करूँ, या कोई तरीका है? तो अब बेसिकली ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस हो गया, खाने को कम करना है या अपने स्लीप टाइम को सही करना है, ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस हो गया। तो इसको कैसे ओवरकम करें? लेकिन आपने देखा मैं क्वेश्चन किस चीज़ को, आंसर किस चीज़ को दे रहा हूँ, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को करते समय आने वाली फ्रस्ट्रेशन को कैसे ओवरकम करें। बिकॉज ये एक फ्रस्ट्रेशन थी उस जिस बंदे ने भी पूछा। ये तब आती है जब हमारी प्रैक्टिसेस जो भी हम कर रहे हैं वो गोल बन जाता है किसी चीज़ को पाने का। एक छोटा सा एग्जांपल समझिए कि आप आराम से घर पे बैठे हैं और आपको एक कुछ काम नहीं मिला, आप खाली बैठे हैं तो आपने अपना टीवी चालू किया या तो कंप्यूटर चालू करके एक फिल्म देख रहे हैं। आपके पास कोई नई फिल्म नहीं है तो पुरानी फिल्म चालू करके देखते हैं जिसको आपने पहले देखा है, इसकी कहानी भी पता है, सब कुछ आपको पता है, पर उसको आप देखते हैं। बोर हो रहे हैं, मज़ा लेने के लिए कर रहे हैं, यू एन्जॉय इट। आप एक ही फिल्म को 10-10 बार देख करके भी इन्जॉय करते हैं, बहुत से लोग करते हैं। लेकिन वहीं पर अगर आपको कोई इंसान ये बोले कि नहीं, तुम्हारा ये काम है कि आज ये फला फला फिल्म 10 बार तुम्हें देखनी है, मामला गड़बड़ हो जाएगा। पहली बार ही जब देखेंगे तो आपको अगले 9 बार का परेश थॉट आएगा कि यार दोबारा देखना पड़ेगा, इसको दोबारा देखना पड़ेगा। क्यों? बिकॉज अब आपके पास एक गोल आ गया, कहीं अचीव करने के लिए, कहीं पहुंचने के लिए वो 10 बार देखना है। तब आपको आपका बॉस समझेगा या जो भी बोल रहा है आपको, वो कहेगा कि हाँ काम पूरा हो गया। ठीक ऐसे ही एक और एग्जांपल समझिए, आप रोड पे जा रहे हैं और अच्छा लग रहा है, आपको वॉक कर रहे हैं मॉर्निंग में, इवनिंग में लोग जाते हैं वॉक पर, बहुत से लोग जाते हैं, कृष्णमूर्ति रेगुलरली वॉक पे जाते थे और अच्छा लगता है। फिर डॉक्टर ने बोल दिया आपको या किसी ने बोल दिया कि वॉक पर जाओगे तो तुमको हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा, तो अब रोज़ आपको कम से कम 2 या 3 किलोमीटर आपको वॉक करना है ताकि आप हेल्दी रह सकें। पर्सपेक्टिव बदल गया, मामला चेंज हो गया, अब आपके लिए आपकी वॉक केवल एन्जॉयमेंट के लिए नहीं है, वो अब आपके लिए एक गोल बन गया कि आप उस वॉक के जरिए हेल्थ पाना चाहते हैं या कुछ कुछ पाना चाहते हैं। तो जैसे ही आपका गोल, आपके स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आपकी गोल बनेंगी, फ्रस्ट्रेशन आ जाएगा। 2 वजह से, एक तो उसको अचीव करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। जो भी प्रैक्टिसेस आप करेंगे आप देखेंगे वो हमेशा मुश्किल प्रैक्टिसेस होती हैं। और दूसरी कि आप उसको जब अचीव कर भी लेते हैं तब भी आपका माइंड यही कहता है यार सोचा था जो वो तो हुआ ही नहीं, उसको बोलते हैं फ्रस्ट्रेशन। कि जब आपकी इच्छा पूरी हो जाती है तब तो आप, मतलब जब इच्छा नहीं पूरी होती तब तो आप फ्रस्ट्रेट होते ही हैं क्योंकि नहीं पूरी हो रही, लेकिन जब हो जाती है तब भी फ्रस्ट्रेशन होता है। और ये इसलिए होता है क्योंकि हम कर्म के फल के ऊपर चिंता करते हैं, कर्म के फल के बारे में सोच कर कर्म करते हैं बजाय केवल कर्म को करने के। नहीं, गीता में लिखा है कर्म के फल को सोच करके मत करो अर्जुन, केवल कर्म को करो। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, या तो गलत कर्म क्या है, इसलिए गीता में बहुत कहा है बारीकी से आपको समझना पड़ेगा। इसके लिए मैंने एक नया तरीका खोजा है जो मैंने अपनाया था, जाने अनजाने अपनाया था, पहले मैंने अनकॉन्शियसली अपनाया था, अब मैं कॉन्शियसली उसको फॉलो कर रहा हूँ, कि आप ये कैलकुलेट नहीं करेंगे कि आपने जो गोल बनाया है उस तक पहुँच पा रहे हैं कि नहीं पहुँच पा रहे हैं। आप अपना खुद का गोल बनाइए और वो गोल होना चाहिए जो आप कर सकते हैं वो कितने दिन तक कर सकते हैं वो देखिए। एक तरह से आप अपनी कैपेसिटी को चेक करिए, जैसे आप किसी और को चेक करते हैं उसको फिर पास या फेल करते हैं, ऐसे ही आप अपने आप को पास या फेल करिए मुस्कुराते हुए, जैसे आप किसी और को करते हैं। जैसे मैंने जब मेरे हाथ में शुरू शुरू में जनोगा आई थी तो मैंने देखा भाई खाना कम करना, मैंने खाना कम करके भी देखा था तो बॉडी का वेट बहुत गिर गया था। इसलिए ये जो प्रैक्टिसेस हैं इसको जबरदस्ती फॉलो करने की कोशिश मत करिए, और बहुत लोग नहीं करेंगे, समझदार हैं सब लोग, क्योंकि अगर आप खाना कम करेंगे तो बॉडी का वेट कम हो जाएगा, एनर्जी कम रहेगी, ब्लड में शुगर लेवल कम हो जाएगा, आप फिर काम नहीं कर पाएंगे।
और फिजिकल लेवल में आपको जॉब करना है, पढ़ाई करनी है, जो भी एक्टिविटी करनी, तो बॉडी में एनर्जी चाहिए होगी। तो आपको मैंने क्या अपने लिए गोल बनाया कि मैं देखता हूँ मैं कितने दिन तक इस बुक को पढ़ सकता हूँ, खाली पढ़ने का। 4 दिन पढ़ा, 2 दिन नहीं पढ़ा, मैंने कहा चलो 4 दिन मैक्सिमम मैं पढ़ सकता हूँ। फिर मैंने पढ़ना शुरू किया तो देखा तो 6 दिन पढ़ गया, फिर उसके बाद नहीं पढ़ा, तो इसका मतलब 6 दिन पढ़ा। मैं अपने आप को शाबाश बोलता था जितनी बार भी मैं, जो मैंने अपना एक छोटा सा टारगेट रखा कि देखते हैं कितनी बार, तो 6 वो मेरा एक मिनिमम टारगेट हो जाता था, चलो 6 दिन मैं कर सकता हूँ, अब 7 दिन करके देखते हैं। फिर इसको मैंने थोड़ा सा और एडिट किया और मैंने अपने आप को ये गोल बनाया कि मैं देखता हूँ कि मैं कितने दिन तक इन इसकी वीडियोज़ बना सकता हूँ इस बुक की। फिर हमने और अनिल ने फिर शुरू किया था, पहले एक दूसरी बुक को कवर किया, फिर दूसरी बुक को कवर किया। कुछ कुछ बुक्स हमारी अभी भी ऐसी होती हैं, हम चालू करते हैं फिर नहीं होती पूरी, अभी भी आधी अधूरी हमारी थिंकिंग फास्ट एंड स्लो रुकी हुई है, और भी बुक्स रुकी हुई है। बट ठीक है, हम लोग देखते हैं उसको, वो 34 पे पहुंची है, कोई कोई 30 पे पहुंची है, कोई 50 पे पहुंच गई है, तो वी आर एटलीस्ट, हमको पता है कि हमने कुछ किया एंड वी आर हैप्पी अबाउट इट। यू हैव टू बी वेरी हैप्पी अबाउट वॉट एवर यू आर डूइंग। इसको समझिए, रियाज की तरह करिए, रियाज की तरह, प्रैक्टिस की तरह। जैसे एक म्यूजिशियन बोलता है अगर मैं 2 दिन प्रैक्टिस करूँ तो मेरी म्यूजिक में बड़ा फर्क पड़ता है, 2 दिन नहीं करूँ तो मुझे मालूम पड़ जाता है कि कुछ कुछ कमी दिख रही है मेरे बजाने में। ऐसे ही जब आप जो भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, जिनों का पढ़ने की प्रैक्टिस कर रहे हैं या उसको खाने को कम करने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो 2 दिन करिए, 3 दिन करिए, 4th दिन नहीं करते, अपने आप को शाबाश बोलिए कि मैंने 3 दिन किया। एक लॉन्ग टर्म गोल मत सोचिए इसका कि मुझे ये करने से वो प्राप्त होगा ताकि मैं फटाफट वहाँ तक पहुँच जाऊँ। वो आपकी ये जो जनोगा की जो प्रैक्टिसेस बताई गई हैं उसका गोल के फॉर्म में बदल जाता है आपके कन्फ्यूजन की वजह से। बिकॉज ये कुछ कोई हम व्रत तपस्या नहीं कर रहे हैं कि हमको कोई भगवान आकर के खुश होकर के हमको कोई गिफ्ट देगा या कोई प्राइज मिलेगा, ना। ये हमारी माइंड की और बॉडी की मैच्योरिटी हो रही है। मैच्योरिटी मतलब जैसे कोई साइकिल चलाता है तो धीमे धीमे साइकिल पर चलाते चलाते बैलेंस करते करते हमारी बॉडी साइकिल के प्रति मैच्योर होती है। ठीक ऐसे ही हमारा माइंड इन नए प्रैक्टिसेस के लिए, कम खाने के लिए या सही समय पर सोने के लिए या कम सेंशुअल प्लेजर्स के लिए ट्यून होता है। अभी भी हम उसको एंजॉय नहीं करते हैं, एंजॉय तो वही करते हैं हम, ढेर सारा खाना खाना, ढेर सारा सोना, ढेर सारी फिल्में देखना, वो हमारे लिए अभी भी एंजॉयमेंट है। अभी भी हमने जो नए तरीके की लाइफ है उसको एंजॉय करना सीखा ही नहीं है। इसलिए अगर आप 2 दिन भी कर सकते हैं तो अपने आप को गुड बोलिए, इसको रियाज की तरह करिए। अगर आपने इसको गोल बना लिया ना कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ तो छोड़ देंगे, क्योंकि आपको जो आपने किया है, 2 दिन तक आपने अगर खाना कम किया है, 2 दिन तक आप सही समय पर सोए हैं, 3 दिन तक आपने 3 स्टेप ब्रीदिंग किया है, 1 भी दिन आपने ड्रिफ्ट वॉचिंग किया है, तो ये जो आपने किया है उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। लेकिन जब आप अपने आप को शाबाश बोलते हैं कि यार देखो 1 दिन तो किया मैंने कम से कम, तो आपके माइंड में क्या होता है, एंड द ऑब्जेक्ट टू बी अचीव्ड इज सफिशियंटली वैल्यूड। समझते हैं, जो आपने किया है उसकी जब आपको वैल्यू मिलती है माइंड में, जैसे ही वैल्यू माइंड में आना शुरू, 3 दिन किया यार मैंने किया, खुश। बचपन में मेरा छोटा भाई कराटे सीखता था तो उसकी टीचर बोलते थे चलो पुशअप्स करो, तो यार ब्रूसली तो 100-100 पुशअप्स करते थे, लेकिन अगर ये 5 भी कर लेता तो टीचर बोलते थे वेरी गुड वेरी गुड। और फिर उसको भी लगता था, भाई को लगता था कि यार मैंने 5 किया तो मैं बहुत ताकतवर, 5 कुछ नहीं होता, बट 5 से फिर 6, फिर 6 से 7, अगर सीधे 100 नहीं किया, 5 करके छोड़ दिया और टीचर ने बोल दिया तो तुम किसी लायक नहीं हो, तो छोड़ करता ही नहीं हुआ आदमी। इसलिए छोटे छोटे अटेम्प्ट्स रियाज की तरह करिए, और वो चीज़ करिए जो आप कर सकते हैं, जो नहीं कर पा रहे हैं उसको छोड़ दीजिए। खाने को 1 दिन नहीं करना है, खाने को अगर आप 3 बार खा रहे हैं तो 3 बार खाइए केवल, अगर 3 रोटी खाते हैं तो केवल आधी रोटी उसमें से निकाल के रख दीजिए। हम लोग भी जब शाम को खाना खाता हूँ तो मैं पहले 2 रोटी खाता था, अब धीमे धीमे 2 रोटी में से 1 रोटी खाता हूँ, दूसरी आधी तोड़ के उसमें तो एक खा लेता हूँ। अभी भी मैं 3 टाइम ही खाता हूँ लेकिन उसकी मात्रा धीमे धीमे कम करते जा रहे हैं। आप अगर मेरे खाने की मात्रा देखेंगे तो सुबह के टाइम मैं क्या खाता हूँ, 1 या 1.5 पराठा खाता हूँ सब्जी के साथ, और दोपहर को मैं खाता हूँ थोड़ा सा चावल, 1 कटोरी चावल दाल के साथ, और फिर शाम को कभी कभी चाय पीते हैं हम लोग, और फिर रात के समय वही 1 रोटी और आधी रोटी, ये चलती है। लेकिन यही चीज़ अगर आप 5 साल पहले देखते तो सुबह के टाइम पराठा 2 या 3 हो जाते थे, दोपहर को चावल के साथ साथ 2 रोटी भी खा लेते थे, और शाम को कम से कम 2 या 3 पराठा खाते थे। तो भले 5 साल में मैंने धीमी धीमी मात्रा कम की है, बट मात्रा कम कर रहा हूँ और मैं आई एम हैप्पी अबाउट इट। मैं कोई गुहा नहीं पहुँच रहा हूँ कि मुझे जल्दी से जल्दी एक रोटी पे कम करना है ताकि मैं जल्दी से जल्दी, इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग द फील ऑफ इट। कि अगर बॉडी
थोड़े से भी कम में खा के आराम से जी पा रहा है और मैं फ्रेश महसूस कर रहा हूँ, तो दिस इज़ अ ग्रेट थिंग। आप अपनी फ्रेशनेस को वैल्यू करना सीखिए। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आपको अपनी हायर स्टेट्स को एन्जॉय करने के लिए प्रैक्टिसेस हैं, ना कि अपने आप को किसी गोल में पहुंचाने के लिए या टारगेट देने के लिए, जैसे सेल्स की टारगेट होती है, ऐसा थोड़ी है। सो ये प्रैक्टिसेस को रियाज की तरह करिए, फिर छोड़ दीजिए, फिर करिए, फिर छोड़ दीजिए। थैंक यू। हम लोग जो अपना व्हाट्सएप आपके साथ शेयर करते हैं, उसका बेसिक पर्पज ये है कि हम आपको ये बता सकें कि हम आपको कैसे अपने साथ कनेक्ट करते हैं, कैसे आप हमारे साथ मिल करके पर्सनली सीख सकते हैं। इसमें दो चीज़ें हम लोग करा रहे हैं। सबसे पहली प्राइम, इसमें कि हम आपको ढेर सारी जितनी भी अच्छी अच्छी बुक्स होती हैं उसको डिटेल में समझाते हैं आपको और डिटेल में कवर करते हैं। तो अगर आप प्राइम मेंबरशिप ले लेते हैं, आप इसी व्हाट्सएप पर अपना एक कनेक्ट करके बता दीजिए कि हमको प्राइम मेंबरशिप थी, तो वो सारी की सारी वीडियोज़ सीरीज़ आपको मिल जाएगी। और दूसरी चीज़ जो हम कर रहे हैं वो है बेसिक कोर्सेज। हमारे पास इस समय दो बेसिक कोर्स हैं, जुनोगा बेसिक कोर्स जिसमें आपको स्पिरिचुअलिटी और अपने बारे में सब कुछ सीखने को मिलेगा, और दूसरा है एंटी फ्रेजाइल बेसिक कोर्स जिसमें कि हम लोग बिजनेस और रिस्क टेकिंग के ऊपर बहुत ही डिटेल में आपको ट्रेन करते हैं, कैसे रिस्क लिया जाता है, कैसे अपने आप को बिजनेस में आगे इस्टेब्लिश किया जाता है। तो आप लोग व्हाट्सएप करके हमारे साथ दोनों चीज़ों में सीख सकते हैं। थैंक यू।